संपूर्ण झारखंड में 10% आबादी आदिवासियों की खटी है। अगर हम संथाल परगना को अलग करते हैं तो वहाँ पर 16% की कमी आई है। आखिर ये आबादी कैसे कम है? 43 विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है तो हम कह सकते हैं 43 का जो बहुमत तो 22 में ही होता है, लेकिन उससे कहीं अधिक सीटों पर बीजेपी और NDA गठबंधन ने बढ़त बनाई है। कोई माप नहीं किया है। अगर आप गांव में जाएंगे कहीं भी पता करिए तो बिजली बिल इतने आते हैं कि बेचारे लोग परेशान है, दे नहीं पाते। नमस्कार, मैं हूँ चित्रता सान्याल और एक खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल जी, स्वागत है आपका मैं भी भारत में। ये बताइए, परिस्थिति कैसी है? देखिए, परिस्थिति राजधनवार के साथ साथ संपूर्ण झारखंड में इस बार परिस्थिति अच्छी है। अभी 43 विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, वहाँ के जो प्राप्त जो रिपोर्ट है, जानकारी है, एक तो अपने कार्यकर्ता के माध्यम से और फिर भिन्न भिन्न एजेंसी के स्रोतों से जो हम सब ने एकत्र किया है, तो हम कह सकते हैं 43 का जो बहुमत तो 22 में ही होता है, लेकिन उससे कहीं अधिक सीटों पर बीजेपी और NDA गठबंधन ने बढ़त बनाई। एक तरफ जो है JMM और इंडिया का जो लाइंस है वो कह रहे हैं कि वो विकास की बात की, उन्होंने आदिवासी और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी विकास की बात कर रहे हैं, और उनका कहना है कि BJP जब शासन में थी तब कोई विकास का काम नहीं हुआ है। ये मुझे तो, मैं तो कांग्रेस पार्टी से कहूँगा और हेमंत सोरेन जी से, जो कि जिनके साथ मिलकर सरकार चलाए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लगभग 60 वर्षों तक राज किया, प्रदेशों में भी राज किया था। उस समय BJP का नामोनिशान नहीं था, मैंने नामोनिशान नहीं था मतलब बहुत कम राज्यों में एकाधुका में सरकार थी। गाँव में आदिवासी कैसे जीते थे, मैंने गांव तक कोई आने जाने का रास्ता नहीं था, नदी नाला बैकुल, गांव के लोगों ने कभी भी बिजली तक नहीं देखा था। जब देश में और प्रदेश में BJP के नेतृत्व में सरकार बनी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 6 साल और इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, तो गाँव तक अब सड़क भी पहुँच रहा है, घरों को बिजली भी मिल रही है, विकास की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी दिखाई पड़ रहा है। पिछले जब सरकार थी 2014 से 19 के बीच में, तो इसी झारखंड की धरती पर 3 नए मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हुआ, 2 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में था, बन रहा था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो 3 मेडिकल कॉलेज कम नहीं होता है। झारखंड की धरती में MC भी बना, झारखंड में से नया देवघर से एयरपोर्ट भी प्रारंभ हुआ, ट्रेन की भी कई एक सुविधाएं बहाल हुई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई, इन लोगों को तो पहले क्षमा मांगना चाहिए झारखंड वासियों से। और आज झारखंड भी राज्य जो बना है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई। तो इसलिए लोग किस मुंह से कहता है कि हम लोगों ने आदिवासियों का विकास किया, और आदिवासियों को जितना मान और सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अलग झारखंड राज बनाया। फिर मैं लोगों से कहता हूँ कि आज भी देश के जो प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी मिला, पहली दफ़ा आज़ाद भारत में यह अवसर मिला, उनको सम्मान मिला एक प्रकार से आदिवासी भाई बहनों को। फिर आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दो आदिवासी मुख्यमंत्री पड़ोस के राज्य में, ये BJP ही कर सकती है। वहाँ कोई हमारे जोड़ तोड़ की बहुमत नहीं है, पूर्ण बहुमत है छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी। जहाँ तक आदिवासी की इज्जत देने की बात है, JMM लगातार हम देख रहे हैं प्रचार में उनकी स्कीम, मैया स्कीम हो या कोई और स्कीम हो, जैसे फार्म लोन जो है, कृषि लोन उसको माफ़ करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ करना, इसकी बात कर रही है। कोई माफ़ नहीं किया है। अगर आप गाँव में जाएंगे कहीं भी पता करिए तो बिजली बिल इतने आते हैं कि बेचारे लोग परेशान है, दे नहीं पाते हैं, पड़ा हुआ है।
तो ये झूठ बोलते हैं, झूठ तो इतना अधिक बोलते हैं जितना तो शायद झूठ भी शर्मा जाए ये लोगों ने। तो इसलिए ये लोगों ने कुछ काम नहीं करते हैं। मैया योजना की इन्होंने तो खुद कहा था कि 2000 रुपया महीना में चूल्हा खरीद देंगे। भाई 5 साल हो गया, कितना महीना दिया बताना चाहिए उनको। आप जब चुनाव आया तो 2-3 महीना से 1000 रुपये की मैया योजना के वोट की राजनीति करता कि लोग हमें वोट दें, लेकिन लोग पहचानते इनको, अच्छी तरह से जानते। इन्होंने कहा था कि 72,000 रुपये गरीबों को सालाना देंगे। कहाँ 72,000 रुपया, कहाँ 2000 रुपया चूल्हा का। महिलाओं को कहा था बच्चियों को कि शादी होगी तो बेटी सोने का सिक्का देंगे। भाई सोने का छोड़ दीजिए, तांबा का भी नहीं दिया सिक्का, तो इसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो। लड़कों को कहा था, अपने बाबूजी का कसम खाया था कि हम शिव सोरेन के बेटे हैं, 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो संन्यास ले लेंगे। भाई 5 साल हो गया, कितना को दिया, जितना भी एग्जाम हुआ सब पेपर लीक हुआ, सब गड़बड़ी होगी। तो इसलिए ये जो आज बोल रहे हैं उसे किसी को कोई विश्वास भी नहीं है, भरोसा भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने प्रचार में अमित शाह जी हों या राजनाथ सिंह जी हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, पूरे संथाल परगना में जिस घुसपैठ की बात की है, आपको लगता है कि वो इफेक्टिव है? देखिए सवाल इफेक्टिव और अनइफेक्टिव की बातें नहीं होती है, सवाल समस्या की है। और झारखंड ही नहीं, पूरे देश में ये समस्या है। झारखंड एक छोटा राज्य है और यहाँ सबसे अधिक आदिवासी हमारे भाई बहने प्रभावित हो रहे हैं। आज़ाद भारत में जब देश आज़ाद हुआ 1951 में सेंसस हुआ, फिर अंतिम 2011 में हुआ है, उसके बाद तो हो नहीं पाया है। उसमें से संपूर्ण झारखंड में 10% आबादी आदिवासियों की घटी है। अगर हम संथाल परगना को अलग करते हैं तो वहाँ पर 16% की कमी आई है। आखिर ये आबादी कैसे कमी हुई। और दूसरी तरफ मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी काफ़ी बढ़ी है। कारण क्या, ऑर्गेनिक तरीके से तो इतनी आबादी नहीं बढ़ सकता है। तो इसका कारण यही है कि बंगाल से झारखंड की सीमा सटा हुआ है और बंगाल से बांग्लादेश की सीमा सटा हुआ है। तो यहाँ लोगों ने जो घुसपैठ किया है, तो हम लोग यही तो कहते हैं जिन्होंने घुसपैठ किया है कि हमें उनको निकालना चाहिए। रहमान जी से भी हम लोगों ने कहा कि भाई आप इस काम को करो। हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने भारत सरकार के गृह सचिव और राज्य सरकार के गृह सचिव को कहा कि भाई आप एक कमेटी गठित करके उसको चिन्हित करिए, कौन विदेशी है, कौन घुसपैठ किया है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने विरोध किया। हाईकोर्ट में तो विरोध किया ही किया, हाईकोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए। और अब उनके जो नेता आते हैं कांग्रेस पार्टी के, कौन कश्मीर से है, तो बोलता है कि हमारी सरकार बनेगी तो घुसपैठियों को भी 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। भाई उन तो आज तक उन लोगों को वो राशन कार्ड बना के दे रहे हैं, आधार कार्ड से जोड़ रहे हैं उनको, वोटर लिस्ट में उसका नाम जोड़ रहे हैं और साथ ही ज़मीन जायदाद भी उनके नाम कर रहे हैं। तो ये गलत है। लोगों ने कहा कि सरकार बनेगी बीजेपी के नेतृत्व में, तो फिर इन सब को जेएमएम का कहना है कि ये काम घुसपैठी क्यों आ रहे हैं, ये काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और बीजेपी सेंटर में है, तो ये काम तो उनका है। आप कहाँ रुके हैं? रांची। रांची में होटल में रुके होंगे, घर में तो नहीं रुकेंगे। होटल में रुके होंगे तो आपसे होटल वालों ने आईडी प्रूफ मांगा होगा, देखा ही नहीं होगा, उसका फोटो कॉपी किया होगा और अपने ये में बन चुका होगा, आप सबको पता है। तो हेमंत सोरेन को नहीं पता है, कांग्रेस के लोगों को नहीं पता, ऐसा तो नहीं है। तब तो आप होटल में सबको कह देना चाहिए, कानून बनी हुई है भाई, कोई भी अगर कहीं आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा थाना को, बताना पड़ेगा एक विदेशी आए हुए यहाँ पर रह रहे हैं। या विदेशी तो छोड़ दीजिए, हम सब तो देसी हैं, हम लोगों का चेहरा जाना पहचाना है, होटल में जानता है, पहचानता है, लेकिन तब भी कहता है सर हम लोग जेब में कार्ड लेकर के घूमते हैं ताकि कहीं भी रोकना पड़ जाए तो उस समय ये नहीं होना पड़े कि भाई आपके पास कुछ भी नहीं है, आधार कार्ड तक को रखना पड़ता है। तो ये लोग इस प्रकार से बेवकूफ़ बनाता है लोगों को, दिग्भ्रमित करता है, इससे और बड़ा बेवकूफ़ी का काम क्या हो सकता है। जनता को भ्रमित करता है, भाई भारत सरकार का काम है, भारत सरकार ने तो कानून बनाया है स्टेट गवर्नमेंट को उनको पहचानने का, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कहाँ रुक रहा है, और आप उल्टी बात कर रहे हैं। अब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें
तो त्रिकोणी फाइट नज़र आ रहा है कि एक तरफ बीजेपी के कैंडिडेट आप हैं, दूसरी तरफ माले के कैंडिडेट हैं और जेएमएम के भी कैंडिडेट हैं। तो इस त्रिकोणी फाइट में क्या जेएमएम और माले में वोटर्स डिवाइड होने के कारण क्या बीजेपी को उसको उससे फ़ायदा होगा? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि फ़ायदा और नुकसान की बातें नहीं है, चुनाव है, चुनाव में कोई भी लड़ते हैं। पहले भी हम चुनाव लड़े, पहले भी जीते, ये सारे लोग चुनाव लड़े थे पहले, कोई ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा ये लोग लड़ रहे हैं। हम भी पहली दफ़ा नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि मालिक तो जनता होती है, जनता जिसको पसंद करेगी, जिस पार्टी को, व्यक्ति को, नेता को, वोट उनको देगी। आप पहले जेवीएम में थे, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने धोखा दिया, जेवीएम में हमने उनको जिताया, आज वो दोबारा बीजेपी में शामिल क्यों हुए? नहीं, मैं कह सकता हूँ कि भाई, हमारे कार्यकर्ता तो सब मिलकर के हम सब लोग शामिल हुए हैं। वो जो भी बोल रहे होंगे, निश्चित रूप से वो हमें वोट देने वाले नहीं में से होंगे, हमारा सदैव विरोध करने वाले वो लोग इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करते हैं। अगर उसको पता करेंगे तो अलग अलग पार्टियों से वो लोग जुड़े हुए होंगे, वो लोग इस प्रकार की बातें बोलते बोलेंगे, उनसे हम थोड़े उम्मीद करते कि हमारा वो प्रशंसा करेंगे, ऐसा संभव नहीं। बीजेपी सत्ता में आई तो आप मुख्यमंत्री के पद में आ रहे हैं। 23 तारीख को परिणाम आएगा, इसके बाद हम लोग बैठेंगे और आप लोगों को बुला करके बता दी जाएगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।